निश्चित रूप से प्रस्ताव था और रहता है कि अगर दोनों पार्टी मर्ज कर जाए तो हम लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। माझी जी की पार्टी कहां से बनी थी? किया कि हम नहीं जाएंगे, बाहर चले गए, उन्होंने स्वयं लिख के दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। जीतन राम मांझी के गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार की राजनीति सियासत में भौचाल आया हुआ है। लगातार सभी मंत्री अपने अपने तरफ से बयान देना भी शुरू कर दिए हैं। विजय चौधरी से जब प्रेस वालों ने पूछा कि आपने उनके इस्तीफा को मंजूरी क्यों दिया, आपके पार्टी की तरफ से कहा गया था कि आप बाहर का रास्ता देखिए, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो खुद ही हमें लिख के दिए है कि हम आपके साथ चलने में असमर्थ है। जरा सुनिए विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। इस्तीफा लिया गया था कि दिया गया था, ये इनपुट है कि इस्तीफा आपने बुलाकर ले लिया था? किसने कहा सर? ये कहा ये, 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 ये किसने कहा? सीएम साहब ने कहा कि ये मतलब मुखबिरी करते थे इसलिए बुलाकर ले लिया गया। सीएम ने तो कहा, दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने खुद क्या कहा है? खुद क्या कहा सो बताइए। विलय करने की और विलय करने की, देखिए सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब दो पार्टियां साथ मिलकर काम करती हैं तो अनेक विकल्पों पर विचार होता है, और ये सामान्य सी बात है कि यह निश्चित रूप से प्रस्ताव था और रहता है कि अगर दोनों पार्टी मर्ज कर जाए तो हम लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि माझी जी की पार्टी कहाँ से बनी थी? माझी जी कहाँ से निकले थे? जदयू से ही ना निकले थे? जदयू से निकले थे तो अगर पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि आप आ जाइए तो ये तो कोई अनुचित या कोई अप्रासंगिक बात नहीं थी। और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, बाहर चले गए, उन्होंने स्वयं लिख के दिया। पर माझी जी तो कह रहे हैं कि उनको कहा गया था कि आप बाहर चले जाइए। आपने उनको ये क्यों नहीं समझते हैं कि कहा गया था कि आप अगर साथ आ जाइए तो बेहतर है? अब ये आपको अगर जानकारी है तो उसका विश्लेषण भी आप ही कर सकते हैं। हम तो और बात हम तो इतने जानते हैं कि वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों का आपके साथ चलना, मैंने हम चलने में असमर्थ थे, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने लिख के भी वही दिया है। सरकारी मंत्री से मुलाकात होने जा रही है जीतन राम मांझी की, अपने बेटे के साथ मिलेंगे क्या? गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है, अमित शाह जी से मुलाकात होने जा रही है। अरे वो स्वतंत्र हैं और पहले भी मिलते रहे, और वो जब पीछे भी अमित शाह जी से मिले थे तो वो खुद आके हम लोग को बताए थे कि हम मिले हैं। तो अगर वो मिलते हैं, या अब जब हम लोगों के महागठबंधन में नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है, तो कहीं तो जाने का फैसला वो ले ही सकते। ये तो इसमें कोई मैंने इस तरह की अप्रत्याशित बात तो है नहीं। सुना कि विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा। विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जीतन राम मांझी ने खुद लिखा है कि हम आपके साथ चलने में असमर्थ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब कोई पार्टी किसी के साथ काम करती है और उसे उस पार्टी के साथ काम करने का मन नहीं है तो वो अलग हो सकता है, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। धन्यवाद, ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।